चलिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आपका वेलकम करती हूँ हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपकी साइंस टीचर, आज आपको मैं आपका लेसन नंबर 7 जो कि टर्म फर्स्ट का है, टॉपिक है इसका एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, वो जानवर जो पानी में रहते हैं। बहुत सारे जानवर ऐसे भी हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा मछली है, इसी तरह से वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, फ्रॉग्स, टोड्स हैं, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स हैं। ये पानी की बहुत सारे जखायर हैं जिन्हें हम वाटर बॉडीज भी कहते हैं। जैसे इसमें पॉन्ड्स आता है, रिवर्स आता है, लेक्स आता है, सीज आता है। अब मछली जो है, फिश जो है, इसकी अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स में पाई जाती है। मछली जो है ये पानी में से ही अपना खाना जो है हासिल करके, जैसे पानी में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, कुछ मछलियां जो हैं पानी, इसी पानी में से इन प्लांट्स को खाती हैं, और कुछ बड़ी मछलियां जो होती हैं वो छोटी छोटी मछलियों को खाती हैं। मछलियां जो हैं, फिश जो है, इसमें फिन्स होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मछली की पिक्चर है, तो ये वाला पोर्शन जो है इसे हम फिन्स कहते हैं, या इन्हें हम मछली के पंख भी कहते हैं। तो मछली जो है, कुछ लोग जो हैं अपने शौक के लिए घरों में मछली को पालते हैं, लेकिन वो किस में पालते हैं, एक्वेरियम में इसको पालते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे वेल्स और डॉल्फिन की। वेल्स और डॉल्फिन जो है ये अक्सर ओशंस में या सीज में पाई जाती हैं। दे आर लाइक फिश, ये मछली की तरह होती है लेकिन ये मछली नहीं होती है। दे आर द लार्जेस्ट एनिमल्स, ये बड़ी जानवरों में आती है। डॉल्फिन्स जो हैं, दे आर क्लेवर एंड फ्रेंडली, मतलब इसका है काफी चालाक होती है। अगर हम इनसे दोस्ती करना चाहें तो ये आसानी से हमारे साथ दोस्ती कर सकते हैं। ये जो हैं ये खाते क्या है, मछली वेल्स और डॉल्फिन्स जो हैं ये समंदर में जो छोटी मछलियां हैं इनको खाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा फ्रॉग्स और टोड्स। फ्रॉग्स और टोड्स जो हैं, या क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर जो हैं, ये वो एनिमल्स हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, ठीक है। फ्रॉग्स और टोड्स जो हैं, ये इनकी जो हाइंड लेग्स होती हैं, हाइंड मीन्स पीछे वाली टांगे, ठीक है, वो काफी लंबी होती है। उनके जो टोज होते हैं, मतलब टोज, इनकी जो उंगलियां होती हैं वो स्किन से जुड़ी होती हैं, जिससे कि वो इनको पानी में तैरने में हेल्प करती हैं। और फ्रॉग्स और टोड्स जो हैं ये कीड़े मकोड़े जो हैं, इंसेक्ट्स जो हैं, इनको खाती हैं। फिर इसके बाद है क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स। क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर लार्ज लिजर्ड्स, ये लिजर्ड्स की तरह होती है, जो बड़े बड़े जिनका लार्ज साइज होता है। ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये अपना वक्त जो है पानी में ही बिताते हैं। और ये खाते क्या हैं, जैसे पानी में छोटी मछलियां होती हैं उनको खाते हैं, और बर्ड्स वगैरह ये दूसरे जानवरों को ये खाती हैं। तो इस तरह से इसी तरह से हमारा ये लेसन जो है ये कंप्लीट होता है। होप कि आपने अच्छे से समझा होगा। तो नेक्स्ट लेसन में हम आपसे मिलते हैं। टिल थैंक।